नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को जो गुड मॉर्निंग इमेज होती है वो कैसे क्रिएट करते हैं। वो दोस्तों जो जैसे आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं गुड मॉर्निंग वाली इमेज, या आपको अपनी पिक लगा के इमेज बनानी है, गुड मॉर्निंग शायरी लिख के आपको इमेज बनानी है दोस्तों, वो हम कैसे बनाएंगे तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को लें सब्सक्राइब। और दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम, कोई भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कौन सी मटेरियल कहां से आपको मिलेगी। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब। तो मैं यहां पे सबसे पहले दोस्तों आपको एक प्ले स्टोर से पिक्सल लैब डाउनलोड कर लेना है, जो मैं पहले से किया हूँ। तो यहाँ पर पिक्सल लैब ओपन किया है, यहाँ पर मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने फुल स्क्रीन किया, यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रही हो दाई साइड में, पर यहाँ पे इमेज साइज पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पे इमेज साइज सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 3 है कस्टम है, स्क्वायर है, चार प्रोफाइल स्क्वायर पे आप दोनों तीनों में से किसी को एक को ले सकते हैं। आप ओके करने के बाद इसको न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर डिलीट किया, हम जाएँगे गैलरी में। आपको यहाँ ये पिक कहाँ से मिलेगी, जो भी ये फ्लावर्स वाली पिक इमेज है, ये आपको गूगल से आपको सर्च करना है फ्लावर्स इमेज डाउनलोड फ्री। तो आपको वहाँ पे सब कुछ पिक मिल जाएगी। यहाँ पे मैं देखिए इसको एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ से आपको भी ऐसे ही सेम एडजस्ट करना है। यहाँ पे हमने इसको किया है एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे हम प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर दिख रहा होगा प्लस। यहाँ पे हम न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करके इसको हम कर देंगे कट। कट करने के बाद यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे, यहाँ पे गुड मॉर्निंग, मैंने यहाँ पे लिखा गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए गुड मॉर्निंग, यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डन, डन का ऑप्शन, यहाँ पे कर देंगे डन। जैसे हमने यहाँ पे डन किया हो, यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे से आप सेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल टी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इससे प्लस का ऑप्शन है तो प्लस भी कर सकते हैं। जैसे मैं बिंदी दिख रही है, बिंदी को खींच रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो ऐसे आप इसको भी ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, या यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ पे इतना करने के बाद दोस्तों इसको एडजस्ट कर देना है, आपको जहाँ आपको सेट करना हो उसको आप वहाँ इसको सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कलर पे क्लिक किया, इसका आपको कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे कई सारे कलर दिए जाते हैं, तो आप यहाँ इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेडिएंट पर जाऊँगा, यहाँ पर देखिए येलो येलो का जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो अच्छे यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे, ये भी पे क्लिक करके आपको मई फोल्ड पर जाना है, और इसको थोड़ी सा मोटे पतले पॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए मोटे से ये पॉइंट दिखने लगा। यहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग वाला पॉइंट कर दिया मोटा। यहाँ पे हमको ऊपर जाना है, इसको हम कॉपी कर देंगे, हमको बार बार पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको जैसे मैंने यहाँ पर कट किया, कट करने के बाद जैसे हमने गुड मॉर्निंग, यहाँ पर हम लिख देंगे मेरी जान। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा यहाँ पर मेरी जान, यहाँ पे देखिए वो इसको कर देंगे डन, और डन करने के बाद ओके। वो इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, आपको इसको छोटा बड़ा जितना भी करना है तो आप बिंदी द्वारा खींच सकते हो। इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसको कलर चेंज किया, ब्लैक यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, तो वाइट भी यहाँ पे सही ठीक ठाक दिख रहा है। आपको बैकग्राउंड के हिसाब से कलर यहाँ पर हमने फिर से कॉपी किया, और इस पर हम पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे हमको कुछ और लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आई लव यू। यहाँ पर जैसे मैंने आई लव यू किया, और डन करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर मैं पहले इसको एडजस्ट कर देना है आपको, एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है इसका। जैसे यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, कलर चेंज करने के बाद देखिए जो यहाँ पर कलर सही लगे, जैसे मैंने यहाँ पर फिरोजी लिया, फिरोजी यहाँ पे आपको नीचे आना है, स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे अब स्ट्रोक प्लस 4 तक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 तक किया, और यहाँ पे आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको कर देना थोड़ी सा छोटा, एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आपको अपनी पिक लगानी है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वरना आप इसको बड़ा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कर लेता हूँ छोटा। छोटा करने के बाद यहाँ पर हम गैलरी में जाएँगे। गैलरी में जाने के बाद अगर आपको अपनी पिक लगानी या किसी और की लगानी है, जैसे मैं अपनी यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे मैं अपने पिक ला लेता हूँ एक, जैसे ही हमने अपनी एक पिक ली, यहाँ पे मैं पहले से इसका बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। आप इसको गूगल
क्रोम पे जाके इसको भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपका बैकग्राउंड रिमूव का पूरा आ जाएगा ऑप्शन, आप वहाँ से जाके इसको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं इसको फिर से कॉपी कर लूँगा यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद। यहाँ पे हमने जैसे डबल दोनों साइड लगा दी, अब देख रहे आप उंगली उंगली इस साइड देखे तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे 3D रोटेट पे आपको क्लिक करना हो। यहाँ पे देखिए इसका मैंने चेंज कर दिया दोनों उंगली इस साइड से इस साइड। अब ये आई लव यू लिखा है तो इसको हम बीचों बीच इसको सेट कर देंगे। अभी हमारे पैक वाली दाई साइड वाली ऊपर दिख रही है तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको कर दिया एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद अगर आपको और भी कुछ लिखना है, शायरी आ रही किसी का नेम लिखना है तो आप उसका नेम भी लिख सकते हैं। जैसे इसको आप एडजस्ट करने के बाद आपको जैसे मैं अगर इन पिक को आपको स्ट्रोक देना है तो आप इन पिक को भी स्ट्रोक दे सकते हैं। और यहाँ पे आप गुड मॉर्निंग इनको आप सही से सेट कर सकते हैं। आपको डेट लिखना है तो आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट लिख लेता हूँ कोई भी, जैसे आज की डेट है, आज की है खलने की, मैं यहाँ पे कोई भी डेट आप लिख सकते हैं। जिस दिन आपको बनाना है उस दिन की डेट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लगा 22/4/2024 मंडे, यहाँ पे आपको कर देना है डन। जैसे आप डन करेंगे या ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है, इसका भी आपको कलर चेंज करना है। ए बी पे जाना है पहले, ए बी पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट ले लिया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। सेम ही पैसे प्रोसेस है और आपको कोई भी आपको जो भी कलर अच्छा लगे उसके ऊपर बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कलर देना होगा ताकि वो दिखे कि हाँ। अगर जैसे मैंने इसको फिरोजी के लिए या तो आपको नीचे जाके इसको स्ट्रोक देना होगा। जहाँ हमने इसको स्ट्रोक दिए वाइट का, वाइट पे क्लिक करना है तो वाइट यहाँ पे आपको प्लस वाले 4 पॉइंट तक बढ़ा देना है। यहाँ पे कर देना सेट बीचों बीच, यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आपको कोई भी और भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम जाएंगे स्ट्रोक में, और स्ट्रोक में हमने पिक को भी अपनी पिक को भी स्ट्रोक दे दिया दोनों को। ये देखिए थोड़ी सी पिक भी देखने लगी कि हाँ भाई पिक लगी है इस पर। तो हमने दोनों को स्ट्रोक दे दिया और यहाँ पे आप सेव टू गैलरी में इनको सेव कर सकते हैं। अब आप व्हाट्सअप पर स्टेटस लगा सकते हैं, फेसबुक पर स्टेटस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अपनी गैलरी में दिखाता हूँ जो मैंने अभी बनाया है। यहाँ पे हम गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मैंने ये स्टेटस अपने जैसे अभी बना के दिखाया ऐसे ही मैंने बनाए हैं, ऐसे ही मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों आपका वीडियो फुल देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।